एक्सेस सबसे पहले तो हमारे BCD नंबर्स क्या होते हैं BCD नंबर्स हमारे होते हैं जीरो टू नाइन BCD नंबर्स मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल जिसमें हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है नाउ एक्सेस थ्री का मीन्स क्या होता है किसी भी नंबर को एक्स्ट्रा थ्री में रिप्रेजेंट करना फॉर एग्जाम्पल जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई थ्री फाइव को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइव प्लस थ्री एट से ठीक है तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस थ्री नाउ अब स्टार्ट करते हैं ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल में हमारे इनपुट्स हैं बीसीडी नंबर्स एंड आउटपुट्स होंगे हमारे एक्सेस थ्री कोड कोई भी आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हो मैं बीसीडी के लिए यूज करती हूँ ए बी सी डी ठीक है एंड फॉर एक्सेस थ्री यूज करती हूँ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इट्स अप टू यू आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो नाउ फॉर जीरो 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 क्या होगा थ्री

फाइव फाइव प्लस थ्री क्या होगा एट नेक्स्ट बी सी डी इज सिक्स सिक्स प्लस थ्री क्या होगा नाइन नेक्स्ट बी सी डी इज सेवन सेवन प्लस थ्री विल बी टेन मीन्स एक्सेस थ्री में टेन नाउ नेक्स्ट बी सी डी इज एट इन बी सी डी एट प्लस थ्री इलेवन मीन्स वन जीरो वन वन नेक्स्ट बी सी डी इज नाइन एंड दिस इज द लास्ट बी सी डी नाइन प्लस थ्री विल बी ट्वेल्व तो ये हमने लिखा ट्वेल्व ठीक नाउ मैं इसके डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देती हूं सो दैट की हमें इजी हो जब हम इसके एक्सप्रेशन या फंक्शन लिखेंगे तो ये हमारा क्या है डेसिमल में जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये जस्ट आपने लिखना है और आफ्टर राइटिंग ठीक इन केस ऑफ बी सी डी एवरी डेमल इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू रेस टू पावर फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन द रेंज रेंज इज जीरो बट यहां पर हम टाइन लेते टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन दीज आर कंसिडर्ड एज डोंट केयर ठीक है तो जब हम के मैप ड्रॉ करेंगे तो हमें यह याद रखना है कि टेन इलेवन बी फिफ्टीडर एज डोंट केयर नाउ अब हम इनके एक्सप्रेशन लिखते हैं फंक्शन लिखते हैं W इज इक्वल टू समीशन एम कहा वन है मीन टम्स कहां है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड डोंट केयर तो ये होंगे ही तो हम इसको के मैप में प्लॉट करेंगे नाउ व्हाट इज एक्स एक्स इज इक्वल टू समीशन एम टर्म कहाँ है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर एंड लास्ट मीन टर्म एट नाइन नाउ फॉर वाई समीशन एम मीन टर्म्स जीरो नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवन एट इज मिनट नाउ फॉर जेड समीशन एम टर्म्स आर जीरो टू फोर सिक्स एंड एट दीज आर टर्म्स. वी हैव ऑल आउटपुट इक्वेशंस. अब हमें इसे इम्प्लीमेंट किससे करना है हमें इसे इंप्लीमेंट करना है यूजिंग फोर इज टू वन मार्क्स तो हमें चाहिए होंगे इंप्लीमेंटेशन टेबल कितने नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए होंगे फोर आउटपुट है तो हमें फोर मल्टीप्लेक्सर चाहिए तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लेक्सेस लिख देती हूँ बना देती हूँ उसके अकॉर्डिंगली हम कनेक्शन कर देंगे ठीक है फोर चाहिए मीन्स सपोज दिस इज अवर फर्स्ट वन टू थ्री एंड फोर फर्स्ट आउटपुट फर्स्ट मार्क्स फॉर डब्ल्यू सेकेंड फॉर एक्स थर्ड फॉर वाई फोर्थ फॉर जेड सिलेक्शन लाइन सबकी हम कॉमन बनाएंगे दो सिलेक्शन लाइन होंगी बिकॉज दिस इज फोर इज टू वन मार्क्स नाउ सिलेक्शन लाइन क्या हो जाएगी एस नॉट एस वन एस नॉट एस वन एस नॉट एस वन इसका एस नॉट एस वन अभी हम देखते हैं हम किसको एज ए इनपुट वेरिएबल लेते हैं और किसको एज ए सिलेक्शन लाइन तो इनपुट हमारे फोर थे ए बी सी डी तो सी एंड डी को हम ले लेते हैं एज ए सिलेक्शन लाइन तो यहाँ होगा सी यहाँ होगा डी ठीक है ये हमारे सारे के सारे मार्क्स कौन से हैं फोर क्रॉस वन फोर क्रॉस वन फोर क्रॉस वन फोर क्रॉस वन मीन्स कि सबके पास इनपुट्स कितने होंगे फोर इनपुट्स फर्स्ट आई नॉट देन आई वन देन आई टू देन आई थ्री ठीक है सबके पास ही होंगे ये नोट वन टू थ्री नोट वन टू थ्री नोट वन टू थ्री ठीक है ये अब हम करते हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन टेबल फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन टेबल फॉर डब्लू फॉर डब्लू ठीक है यहाँ हमारे होंगे आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री इनपुट वेरिएबल ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार ए बी इट मीन्स जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन ठीक यहाँ पे देखते हैं ये कैसे सेलेक्ट होंगे इफ सी डी जीरो जीरो है आई नॉट विल बी सेलेक्टेड एट जीरो वन आई वन एट वन जीरो आई टू एट वन वन आई थ्री किसके लिए सबके लिए ठीक नाउ ज़ीरो जीरो 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 से यहाँ क्या होगा जीरो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन 14 एंड 15. नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 5, 6, 7, 8 एंड 9 ठीक है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i नॉट i नॉट में सिर्फ 8 सर्कल है ये क्या है ए बी बार ठीक है यहां पर हमारा ए बार बी एंड ए बी बार तो दिस इज द एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस ए बी बार मींस इट कैन बी रिटर्न ए एक्ज़ॉर्बिट बी ठीक है तो i1 की इक्वेशन क्या हो गई दिस वन मींस कि यहाँ मैं लिख देती हूँ ए एक्ज़ॉर्बिट बी ठीक नाउ फॉर i2 ओनली सिक्स को सर्किल किया है मींस ए बार बी ठीक है नाउ फॉर i3 ओनली 7 इज सर्कलड मींस कि ए बार बी ठीक यहाँ से ये यह क्लियर हो गया कि i नॉट इज इक्वल टू ए बी बार एंड i2 एंड i3 बोथ इक्वल टू ए बार बी नाउ अब हम फर्स्ट डब्ल्यू के लिए कनेक्शन करते हैं तो नाउ इनपुट्स ले, ले लेते हैं ए एंड बी अगर हमने इसको अप्लाई किया नॉट गेट पे तो आउटपुट ऑफ नॉट गेट यहां ए बार यहां क्या होगी दिस इज बी बार ठीक नाउ I नॉट I नॉट इज इक्वल टू ए बी बार मींस वन एंड गेट आउटपुट इससे कनेक्ट होगी ए बी बार मींस एंड बी बार ठीक नेक्स्ट के लिए क्या है ए एक्जॉर बी मीन्स वन एग्जॉर गेट ठीक है यहाँ हमने दिया एंड बी डन नाव आई टू एंड आई थ्री बोथ के लिए ए बार बी मीन्स एक एंड गेट लिया आउटपुट को दोनों पर अप्लाई किया इनपुट्स क्या है ए बार बी मीन्स ए बार एंड बी ठीक है नाउ फॉर एक्स वैल्यूज क्या है वन टू देन थ्री फोर एंड नाइन ठीक है तो फॉर आई नॉट हमें क्या मिलेगा सिर्फ फोर सर्कल है मीन्स ए बार बी फॉर आई वन फर्स्ट रो एंड दिस रो मीन्स की आई वन इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी बार मीन्स अगर हमने बी बार को कॉमन लिया तो ए बार प्लस ए बाई यूजिंग बोलेन अल दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू वन मीन्स आई वन इज़ इक्वल टू बी बार यहाँ क्या आएगा बी बार नाउ फॉर आई टू ओनली वन सर्कल दिस वन तो यहाँ क्या होगा ए बार एंड बी बार नाउ फॉर आई थ्री ओनली थ्री सर्कल्ड है तो यहाँ क्या होगा अगेन ए बार एंड बी बार ठीक नाउ कनेक्शंस करते हैं फॉर आई नॉट ए बार बी मीन्स हमें एक एंड गेट चाहिए या हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या था ए बार बी ए बार बी ठीक है ये हमारा क्या था आउटपुट दिस वॉज ए बार बी तो हम इसको ही कनेक्ट कर देते हैं ये हमने लिया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया डन नाउ यहां क्या है आई वन के लिए है बी बार मीन्स बी बार कनेक्टेड नाउ फॉर दीज टू आई टू एंड आई थ्री ए बार बी बार मीन्स कि हमें एक एंड गेट चाहिए आउटपुट जिसकी कनेक्ट होगी विद दीज टू इसका एक इनपुट क्या है ए बार मीन्स की दिस वन सेकेंड इनपुट क्या है बी बार मींस है ना फॉर वाई हमारी वैल्यूज क्या है जीरो थ्री देन फोर देन सेवन देन एट ठीक है जीरो थ्री फोर सेवन एट ठीक है नाउ आई वन और आई टू की वैल्यू तो क्या हो जाएगी जीरो बिकॉज इसमें कोई भी मीन टर्म नहीं आया फॉर दिस फॉर आई थ्री आई थ्री विल बी इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट रो ए बार b बार प्लस a बार b मीन्स a को हमने कॉमन लिया ए बार को तो b बार प्लस b मीन्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें a बार तो ये क्या होगा हमारा a बार ठीक है नाउ फॉर i नॉट इज इक्वल टू ये थ्री हैं मीन्स a बार b बार प्लस a बार b प्लस a b बार ठीक है नाउ अगर हम इन दोनों से कॉमन लें तो हमें क्या मिलेगा ए बार एंड फर्स्ट एंड लास्ट से कॉमन ले तो हमें क्या मिलेगा बी बार मीन्स की इसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी ए बार प्लस बी बार और वी कैन राइट ए बी बार इट्स अप टू यू ठीक है तो हम यही लेके चलते हैं ए बार प्लस बी बार मीन्स की दिस वन तो आई नॉट के लिए हमारा क्या है ये मीन्स की हमें चाहिए एक और गेट ठीक है इसकी एक इनपुट क्या होगी ए बार दूसरी इनपुट क्या होगी बी बार ठीक I1, I2 की वैल्यू क्या है होगी जीरो मीन्स दोनों को कनेक्ट किया और ग्राउंड कर दिया ठीक नाउ फॉर I3 थ्री ए बार मीन्स इसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया डन ठीक है नाउ अब हम देखते हैं फॉर जेड जीरो टू फोर देन सिक्स एंड देन एट ठीक है तो नाउ इन दिस केस I1 की वैल्यू जीरो I3 की वैल्यू जीरो तो इसका I1 एंड I3 दोनों को शॉर्ट किया और ग्राउंड कर दिया नाउ फॉर दिस आई टू इज इक्वल टू स्टार्टिंग टू रो मीन्स ए बार बी बार प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए बार मींस की आई टू को हमने किससे कनेक्ट करना है ए बार से तो हमारी जो आई टू है मीन्स की दिस वन ये हमारी कनेक्ट हो जाएगी विथ ए बार नाउ फॉर आई नॉट। आई नॉट इज इक्वल टू ये थ्री है मीन्स ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार फ्रॉम दिस टू हमें क्या मिलेगा ए बार फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट हमें क्या मिलेगा बी बार मीन्स की दिस वन तो हमारी ये कनेक्ट हो जाएगी विथ दिस ठीक है तो दिस इज़ द लॉजिक डाइग्राम ऑफ बी सी डी टू एक्सेस थ्री कोड कन्वर्टर यूजिंग फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू